गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सारी तैयारियां हो गई होंगी आपकी आने वाली सर्दियों की। मैं आप लोगों के साथ रेगुलर पिछले 4 साल से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ नेचुरल तरीके से बागवानी करते टाइम क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। और इतने दिनों में जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज अगेन कुछ टिप दे रही हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो मैं काम की बोल देती हूँ आपको। कई लोगों की क्वेरी है कि मैम, हमने गुलाब बहुत बार ट्राई किया और हमारे यहाँ गुलाब का पौधा नहीं लगता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरे पास 3 सीड ग्रोन प्लांट हैं, जिसमें एक तो देखिए ये है पीच कलर और 2 रेड, एक ये है, ये रेडी है, सर्दियाँ आएंगी जब एकदम लाल हो जाएगा, और एक ये है जिस पर अभी हाल फिलहाल फूल निकल रहा है, बट ये भी रेड की ही वैरायटी है देशी की। और कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं जिसमें एक ये पिंक है और एक ये वाइट है, जिसको मैंने कटिंग से लगाया था और बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये भी, जिनके गुलाब नहीं लगते हैं। तो पहली टिप तो ये देना चाहूँगी, आप लेकर आ जाइए, 15 रुपये में मिल जाता, 15 से 30 रुपये के अंदर अंदर देशी गुलाब की आपको पौध मिल जाएगी। स्टार्ट कर दिए देशी से, मेरे को भी नहीं आता था पहले, मुझे लगता था भाई बहुत ही नखरेला पौधा है, राजा है फूलों का, तो पता ही नहीं क्या है, बट मुझे लगता है ये भी बहुत आसान है उगाना अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से मिट्टी बना लेते हैं और इसमें केमिकल नहीं डालते हैं। इसका आपको सॉइल प्रिपरेशन क्या करना है या पॉट फिलिंग कैसे करना है, इसमें किचन वेस्ट नहीं भरना है आपने। मैंने पीस लिली का आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बहुत सारी लीव्स वगैरह भरी थी, वो मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। उस तरीके से पॉट फिल करके रख लीजिएगा। मिट्टी इसकी एकदम वेल ड्रेन होती है, मतलब इसको पानी चाहिए होता है और रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल पानी में, ऐसे नहीं कि मतलब कीचड़ सा हो गया मिट्टी, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से चलता है सालों साल, क्योंकि इसकी जो मेन एक रूट होती है वो तो मोटी होती है, बाकी बहुत पतली पतली रूट्स होती हैं जिनसे ये भोजन लेता बनाता है। और मुझे तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है पिछले 3-4 साल का कि ये भी एक आसानी से उगने वाला पौधा है, सिर्फ इसकी मिट्टी प्रॉपर बना लेते हैं। तो मैं ये मेरे कटिंग से उगे हुए देशी गुलाबी हैं, इनको कैसे रिपोर्ट करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप पॉट खरीद के ला के रख लीजिए, मैं शेयर कर दूँगी कि इसका पॉट कैसे फिल कर रही हूँ और कैसे इसको लगाऊँगी। तो बने रहिएगा चैनल पर, 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि अगर उस तरीके से लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके यहाँ गुलाब भी लग जाएगा। अब देखिए, एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो गलती मैंने की है आप लोग मत करिएगा। देखिए, गार्डनिंग एक एडिक्शन होता है, मतलब एक तरीके से नशा ही होता है, कि एक बार अब जब आप लगाना शुरू कर देते हैं और आपके यहाँ प्लांट हेल्दी रहते हैं, कटिंग से बहुत इजी टू प्रोपोगेट हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, हर एक पौधा लगता है अपने घर में लगा लो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, आपको डिप्रेशन तो नहीं होगा लेकिन हाँ आपको स्ट्रेस ज़रूर रहने लग जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने मदर इन लॉ और मेरे फादर मदर के पास भी नहीं गई, रीज़न सिर्फ कि पौधों की देखरेख कौन करेगा, और एक ही दिन में आपको पता है पौधे ख़त्म हो जाते हैं अगर तेज़ धूप पड़ती है। सेम चीज़ अब हो रही है कि मुझे 2-3 दिन के लिए जाना है और कैसे मैनेज होगा नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं रहेगा तो फाइनली मुझे ही रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है आपके पास, जब ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं और कोई केयर टेकर नहीं होता है तो आपके लिए एक तरीके से स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है कि आपको समझ नहीं आता कैसे मैनेज करेंगे। और देखिए, हर एक रिश्ता अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब सामाजिक जीवन जी रहे हैं तो नेचुरल रिश्ते भी हमें निभाने पड़ेंगे, और फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे लगता है फैमिली ही होनी चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। अब चूँकि गार्डनिंग मेरा पैशन है, बचपन से ही है, ब्लड में है, मम्मी का देखा ही है आपने, मम्मी को भी यही है, मम्मी भी कहीं नहीं जा पाती हैं, वही चीज़ हमने कर ली है। तो या तो एक इंसान को ट्रेन कर दीजिए, किसी भी इंसान को जो कि आपके पौधों को देख सके, या फिर भाई ऐसे पौधे लगाइए जो हार्डी हों, 3-4 दिन अगर पानी नहीं भी लगता है तो आपके चलते रहें। अब मेरे पास तो हर एक वैरायटी का पौधा है, जिसमें दिन में 2 बार भी पानी चाहिए होता है, 6 दिन में भी पानी चाहिए होता है, 10 दिन में भी, तो ये बहुत ही टेंशन वाला काम हो गया है। तो ये गलती आप मत करिएगा, उतने ही लिमिट में पौधे लगाइएगा जितना कि आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस ना हो, क्योंकि अगेन डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि पौधे डिप्रेशन तो दे ही नहीं सकते हैं, बट हाँ स्ट्रेस ज़रूर हो जाता है, मतलब टेंशन हो जाती है कि कैसे मैनेज होगा। कई सारे लोग हैं जिनको मुझसे शिकायत है कि मैं सीड्स नहीं देती हूँ, तो देखिए मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो मैं पौधा ख़रीदती हूँ, उससे बीज बनाती हूँ, बीज लिमिट में ही बनते हैं,
जो मुझे मैसेज कर देता है टाइमली, बीज बनने के बाद उसको बीज मिल जाते हैं, जिस रखे तो हुए रहते नहीं, मेरी कोई शॉप तो है नहीं देखिए कि मैं बिज़नेस कर रही हूँ, एक्स्ट्रा होते हैं तो ही मैं शेयर करती हूँ, जब बने ही 4 या 10 बीज होते हैं तो मैं नहीं करती हूँ शेयर, पहली बात। दूसरी बात, जो कंद वाले राइजोम वाले जो पौधे होते हैं, तो देखिए वो भी मैं खुद ही खरीद के लेके आती हूँ, वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, तो वो तो मैं साफ़ मना करती हूँ, जो चीज़ मैं नहीं दे सकती नहीं दे सकती, जो चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा है वो मैं डेफिनेटली शेयर करती हूँ। 200 के आसपास लोगों को मैं दे चुकी हूँ बीज, और खिल भी रहे हैं उनके गार्डन में, आगे भी बोला है कि सीड्स बनेंगे तो मैं चार्ज करती हूँ, एक नॉमिनल चार्ज होता है 10-15 तरीके के, जो भी सीड मेरे गार्डन में बनते हैं इजीली उनको ही शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पौधे में से ज़बरदस्ती आपको निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि मैं भी देखिए खर्चा करके ही खरीदती हूँ, मेरा कोई पौधे बनाने की फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर अपने आप पौधा बन जाता है, पहले खरीदती हूँ फिर बीज बनाती हूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कम से कम सीड्स को लेकर तो नेगेटिविटी में मत जाइए, मुझे लेकर मैं तो पिछले काफ़ी दिनों से एक चीज़ देख रही हूँ कि मेरे जैसे इंसान से भी लोग, मतलब मेरे लिए भी नेगेटिव सोच सकते हैं, तो थोड़ा सा सरप्राइज होता है, बट इट्स ओके, दुनिया है, सब लोग हैं, जिसकी जैसी सोच है वो वैसे भी मेरे बारे में सोचेगा, बट मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए, जो चीज़ मेरे पास होती है वो मैं शेयरिंग करती हूँ। तो बस ध्यान रखिएगा, लिमिट में प्लांट्स उगाइएगा जितना आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, और गुलाब पर जो मैंने बोला है, गुलाब की सारी बीमारियां और खाद के बारे में मेरे सब पर सेपरेट वीडियोस हैं, उसका मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दे दूंगी, ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी मुझे नहीं लगता कोई क्वेरी बचेगी गुलाब को लेकर, क्योंकि जो बीमारियां आती हैं और जो खाद देनी होती है सब उसमें मेंशन है, और लगाना कैसे है वो मैं जल्दी आप लोगों के साथ 2-4 दिन में शेयर कर दूंगी, और हर श्रृंगार के फूलों का ऑयल कैसे बनाना है वो मैं बैक टू नेचर विद सोनम वाले पेज पर शेयर करूंगी, तो आज देख लीजिएगा वहां पर, और प्लीज़ उस पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी होम रेमेडीज़ मैं शेयर करूँगी आगे, अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन डेफिनेटली आगे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वंस अगेन थैंक यू, चैनल पर बने रहिएगा।